जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का कहर अपने ही देश में नहीं पूरे विश्व में है, और इस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो यूपी सरकार के कई यूपी में रहने वाले लोग अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे। तो यूपी सरकार ने एक अच्छी पहल करती हुई जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनको घर वापसी के लिए पहल कर दी है। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रेन साबरमती से कानपुर से ये चलाई गई है, जो कि आ चुकी है और करीब 1200 प्रवासी लोग आए हैं और इनको यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए उसके बाद इनको रोडवेज की बसों से सीधा उनके घर पहुँचाया जाएगा। बलदेव जी, आप कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद से आए हैं तो उसके अहमदाबाद में क्या क्या काम करते थे आप? वहाँ क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ी आपको जो लॉकडाउन दौरान फंसे रहे? इसी की लाइन में क्या क्या समस्या? खाने पीने की कुछ नहीं मिला वहाँ पे। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही थी, खाने पीने की व्यवस्था या राशन? हमको कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने कोई नहीं। ये वो भवन है जहाँ पे सभी जो प्रवासी आए हैं 1200, उनमें यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो प्रवासी लोग आए हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ उनके हाथों में होम क्वारंटाइन की मुहर लगाई है, जिसके बाद ये लोग सभी रोडवेज बस से इनको प्रशासन घर भेजेगा। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।